चैनल आज आप सभी का स्वागत है और आप देख सकते हो मैं आज क्या शूट करना है अपने इस YouTube चैनल के लिए और आप सबके लिए। इस खूबसूरत सी वादियों के बीच में मैं आपके साथ में अपनी साइकिल पे ये व्लॉग शुरू करने वाला हूँ। मैं हूँ कहाँ पर ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन आज मैं जो इससे एडवेंचर करने वाला हूँ वो देख करके जो आपको मजा आने वाला है वो आप इंजॉय कीजिए। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। तो गाइस आज का व्लॉग चालू हो चुका है, शुरू हो चुका है और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। आपको दिखाता हूँ आज का ये शानदार सा व्यू कैसा दिखाई दे रहा है। साइकिल व्लॉग चालू है, शुरू है, स्टार्ट है। तो गाइस आज आप जो देख रहे हो मैं जा रहा हूँ तबाही मचाने के लिए। आज मैं ऐसे ऐसे स्टंट करूँगा यहाँ पर आकर के जो मैंने आज तक ना कभी किए हैं और ना कभी कर सकूँगा। पर वो अगर मुझे जगह अच्छी मिलती है जहाँ पर वो स्टंट हो सकते हैं वहीं पर मैं ये करूँगा। ये देखिए इस तरीके से मैं, ये मेरा पहला स्टंट है जो मैं यहाँ पर, ये देखिए ऑफ रोड जा चुका हूँ पहला स्टंट करने के लिए। यहाँ अगर कांटे हुए तो ये स्टंट मुझको बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। बहुत टाइम हो गया था साइकिल को लेकर आए हुए, बहुत समय हो चुका था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज ही चल के ये साइकिल व्लॉग करा जाए। तो फिर मैंने अपनी साइकिल निकाली है और आप सबके सामने लेकर आ गया हूँ। लोगों ने बताया कि आगे वाटरफॉल मिलेगा तो उस वाटरफॉल तक तो चलेंगे ही चलेंगे और वहाँ चल के देखेंगे कि आखिर क्या है वो वाटरफॉल, कैसा है वाटरफॉल। बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मैं आया था तब मौसम ज़रूर था बारिश का, बट फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आइए आगे चलकर देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ लोग पिकनिक मनाने भी आए हैं अपना। ये देखिए गाइस वाटर व्यू। ओ वाटर व्यू गाइस, देखिए क्या खूबसूरत नजारे। सामने जंगल, उसके उधर नाहरगढ़, बहुत ही खूबसूरत। नीचे उतर के दिखाता हूँ आपको आखिर मैं हूँ कहाँ पर। सो गाइस ये है वो बहुत खूबसूरत जगह। मैं वहाँ कहीं पर जाऊँगा अभी, यहाँ से नीचे उतरेंगे। यहाँ से तो नहीं उतर सकते फिलहाल, जो मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा गहरा है अगर आप भी देख पा रहे हो तो। हम वहाँ पर कहीं पर जाएंगे बट यहाँ नीचे से नहीं, वापस से इधर से घूम करके और नए रास्ते से जाएंगे। नीचे उतरना होगा और वो जो नीचे उतरने वाला ट्रैक होगा वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा पूरा करना। तो भाई इस वाटरफॉल की तरफ बढ़ने, ये कांटों वाले पेड़ बहुत ही खतरनाक है यहाँ पर। तो गाइस आगे बढ़ रहे हैं, एक हाथ से साइकिल नहीं राइड की जाती, तो मैं इस कैमरे को अंदर रखता हूँ और आगे चलता हूँ। आ जाओ। तो गाइस ये सबसे मुश्किल ट्रैक जिस पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो गाइस मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल जो ट्रैक आप देख रहे हो उसी पे मैं उतर रहा हूँ इस टाइम पे। अगर यहाँ से सावधानी हटी तो दुर्घटना घटने का 100% चांस है। और यार गाइस मज़ा आ रहा है, सीरियसली बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ से नीचे जाने में। ओ माय गॉड, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। साइकिल थोड़ी सी और अच्छी होती तो और मज़ा आता, लेकिन इसमें भी काफ़ी मज़ा आ रहा है गाइस, बहुत ही शानदार मज़ा आ रहा है। जैसा कि मैं देखो चला करके नीचे जा रहा हूँ धीरे धीरे। तो गाइस देखो हम पहुंच ही गए हैं पानी वाली जगह पे। देखिए कुछ तरह पानी भी दिख रहा है यहाँ पर बहता हुआ। ये देखो ये रहा पानी, ये देखो गाइस सामने आवाज़ भी आ रही है पानी के गिरने की।
पर वाटरफॉल है बट बिल्कुल छोटू सा। गाइस इन पत्थरों पर ये साइकिल चलाने लायक है तो नहीं, पर फिर भी चला लेता हूँ। तो गाइस आप मेरे सामने देख सकते हो मेरा ये स्टंट देखने के लिए कितने लोग तैयार हो गए। हेलो कर दो एक बार कैमरे में देख करके। और ये सब मुझे ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं ताकि मैं अच्छे से कर सकूं, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरे शूज़ भी गीले होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, अब पहचान किसकी है? मैं साइकिल को यहाँ ऊपर लेकर आ रहा हूँ जहाँ से वाटरफॉल आ रहा है। ये देखो गाइस, ये रहा वाटरफॉल, और इस वाटरफॉल के अंदर ले जा करके खड़ी करेंगे साइकिल। और इसी के साथ हमारी साइकिल इस खूबसूरत से वाटरफॉल में देख सकते हो आप। तो गाइस आप ये जो जगह देख रहे हो मेरे सामने जहाँ पे मैं पानी के सामने बैठा हुआ हूँ, ये जगह है विद्याधर नगर से करीब 2 किलोमीटर दूर पापड़ वाले हनुमान जी के बैक साइड में, यानी कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। बालाजी का झरना इसको कहा जाता है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो बहुत ही मज़े कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बारिश के मौसम में आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे ये वाटरफॉल मिल जाएगा, जो कि अभी काफ़ी कम है क्योंकि बारिश नहीं हुई है। धन्यवाद। तो गाइस ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा ये ब्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा। और उसके साथ साथ एक बात और, थोड़ा सा ब्लॉग गड़बड़ वड़बड़ सा चला होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है बीच में, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ तक आया उसके लिए मेरे वीडियो को शेयर करो। और मेरे साथ में अगर आप ये ऐसी राइड ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे पटक से इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करो, DM करो और मेरे साथ राइड्स एंजॉय करो। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय। सो प्लीज सब सबर कर सबर कराए सर।